अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नायला भट्टी और आप देख रहे हैं 7 पॉइंट नेटवर्क। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कराची से खबर शामिल करते हैं। 2 बार सदारती अवार्ड हासिल करने वाले ग्राउंड मास्टर मोहम्मद अशरफ ताई ने वज़ीर आज़म से मदद की अपील कर दी। अशरफ ताई का कहना है कि एक बार फिर ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के बायस मेरा सेंटर बंद हुआ तो माली मुश्किलात में बेपनाह इजाफा हो जाएगा। ये उजड़ा हुआ खस्ता हाल सेंटर और जिम, जिसकी ना छत है और ना कोई पुरसाने हाल, KGA ग्राउंड में कायम दर हकीकत ये ताई सेंटर है। वज़ीर आज़म और गवर्नर सिंध मेरी मदद करें, 3 साल ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट की वजह से सेंटर बंद रहा, अब इसकी हालत काबिले रहम हो गई है। ग्रीन लाइन की इंतजामिया ने अपने वादों पर अमल नहीं किया। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट की तोसी ही मंसूबे के बायस यह इंतजामिया ट्रेश सेंटर बनाना चाहती है। अशरफ ताई का कहना है कि माली मुश्किलात ने पहले घेर रखा है, किसी भी इकदाम से पहले मुझे मुतबादिल जगह दी जाए। हमने भी सुना है, मगर अभी इन राइटिंग किसी ने कुछ नहीं दिया, मगर हमने भी ये सुना है कि ग्रीन लाइन वाले या कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं। अगर वो करना चाहते हैं तो ये जगह मेरी तो नहीं है, ये KGA की है, तो KGA परमिशन देगी। इसके बाद हमको अगर वो लीगल हटाते हैं तो अल्टरनेट कोई जगह दे दें, जैसे ये जिना ग्राउंड है या नस्तर पार्क है, हमको वहाँ अल्टरनेट कोई जगह दे तो हम अभी हो गए। ये 20 फीट अंदर आ गए इसलिए हमारा वहाँ सेंटर बन नहीं सकता, तो हमने पीछे अपना सेटअप किया हुआ। तो क्या ये कि मैं तो चाहता हूँ कि अपनी सर्विसेज, मैंने पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, रेंजर्स, पुलिस, हर जगह मैंने ट्रेन किए हुए हैं। अब ये मसला जो आ रहा है कि ये कर ले वो कर ले, तो इसकी कोई फिजिबिलिटी तो बनती नहीं है। अब कर ले खाली मुँह जबानी बोलने से तो कुछ नहीं होता है। अच्छा, क्या चाहते हैं कि कोई एग्रीमेंट के तहत आपको यहाँ से मूव किया जाए या बस ऐसे ही उठाते हैं? ऐसे उठाएंगे तो कोई लीगल इसका कोई नहीं बनता ना, तो एग्रीमेंट के थ्रू उठाएं तो बेहतर है।